स्टूडेंट, दिस इज विजयलक्ष्मी राठौर, टीचर ऑफ फ्रेश बर्ड स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टू से चैप्टर नंबर ट्वेल्व, चिड़िया आखिर क्या कहती है। तो बच्चों, ये एक पोयम है जो चिड़िया के बारे में है। इस पोयम से, इस कविता से मतलब ये सीखने को मिलेगा कि एक जो छोटी सी चिड़िया है वो सुबह उठ जाती है, हमें मीठे बोल भी सुनाती है और आसमान में इतनी ऊंची उड़ती है और अपने हौसलों को बुलंद कर लेती है, और जीवन में हमेशा जितने भी संकट आए, जितने भी दुख आए, हमेशा हमें खुश रहना सिखाती है। तो चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं। रोज सुबह उड़ जाने वाली, मीठे बोल सुनाने वाली, नन्ही सी एक जान है लेकिन आसमान तक उड़ने वाली, इतने हौसले जो रखती है चिड़िया आखिर क्या कहती है। हर क्षण रहती संकट में, घबराती हर आहट में, बन जाता है एक बिछौना रखती हो तिनके सहेजे, कम सम में भी खुश रहती है चिड़िया, जो मिलता है वह खाती है, पीकर जल भी रह जाती है, तनिक नहीं ढा और ईर्ष्या, सब मिलकर हंसती गाती जिसकी अपनी सब धरती है, चिड़िया आखिर क्या कहती है। हरे भरे पेड़ों पर जाकर नब तक अपने पर फैलाकर, सुंदर सुंदर पंख हैं इसके मोती, वह सबको गाकर, नहीं प्रकृति को वह छलती, चिड़िया आखिर क्या कहती है। इस पोएम को अच्छे से रीड करिएगा। इस पोएम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें संतोष के साथ जीना चाहिए।